नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम बात करेंगे विश्व बौद्ध सम्मेलन की। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की पवित्र भूमि पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद एक विश्व सम्मेलन हुआ नवंबर में, जिसमें भाग लेने के लिए बाबा साहब भी काठमांडू गए। वहाँ पर उन्हें बौद्ध धर्म में अहिंसा के ऊपर बोलना था, लेकिन जनता की प्रबल करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म तथा मार्स पर भी बात की। इस सम्मेलन में दिए गए भाषण से बाबा साहब एक व्यक्ति तत्व के रूप में प्रभावित किया गया। वह एक विश्व बौद्ध नेता के रूप में सम्मिलित हुए थे। उनसे प्रभावित होकर वहां के महापंडित राहुल संस्कृतिकान ने यह बयान दिया कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के स्तंभ को इतनी गहराई से गाड़ दिया है कि उसे हिलाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।